नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में एक बात करने वाले नई वैकेंसी की, जो वैकेंसी निकली है यहाँ पर देख सकते हैं, जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा निकली है और इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी ये NHM ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होने वाली है। 15,000 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलेगा, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपको मिलने वाला है। पोस्टों की बात करें तो NM की 17 पोस्ट है, इनमें 11,130 रुपये प्लस इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। यदि आपने 12वीं पास कर रखी है और NM का डिग्री या जो भी डिप्लोमा होता है वो है और साथ में आपका छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 10 पोस्ट है, ये पेमेंट है इनकी। इसके लिए DMLT या BMLT का कोर्स किया होना चाहिए, साथ में आपका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद OT टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट हो और साथ में OT टेक्नीशियन के अंदर पैरामेडिकल का कोर्स और छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट टेक्नीशियन की भी 1 पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन के अंदर और साथ में आपके पास जो इससे संबंधित डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। TBHV की 1 पोस्ट है, ये देख सकते हैं इसमें डिग्री। उसके बाद डेंटल असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में जो इसके संबंधित एक्सपीरियंस है किसी डेंटल कॉलेज में कार्य करने का 2 साल का वो होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। वार्ड असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। अटेंडेंट है NRC की 1 पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए होम साइंस से। उसके बाद क्लास 4th की पोस्ट है, 5वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद काउंसलर NHM की 2 पोस्ट है, इसके लिए PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ या एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस के अंदर। उसके बाद आया या बाई की 8 पोस्ट है, 8वीं पास होना चाहिए। क्लीनर की 5 पोस्ट है, 8वीं पास होने चाहिए। स्पोर्ट्स स्टाफ पे इसकी 8 पोस्ट हैं और 8वीं पास होने चाहिए। और उसके बाद एक NHM या सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपके पास हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। सर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं, इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए और 1 साल का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कोर्स होता है वो किया होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 76 पोस्ट हैं। अब इनकी जो इंटरव्यू होने वाला है या आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन करवाने हैं वो करवाने पड़ेंगे आपको NM के लिए 22/3/2023 को। टाइम रहेगा सुबह 9 से 1 बजे तक और इससे संबंधित अन्य जानकारी वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, इनकी भी 23 तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, ये देख सकते हैं 9 से 1 बजे तक। उसके बाद जो डेंटल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, वार्ड असिस्टेंट, अटेंडेंट NRC या क्लास 4th NU इनके लिए 24 तारीख को वही टाइम रहेगा। उसके बाद पोस्टें देख सकते हैं, काउंसलर NHM, आया, क्लीनर, स्पोर्ट्स स्टाफ, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इनका 25 और 26 तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू होगा और पंजीयन होगा और यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और दावा आप कर सकते हैं शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक और इसका जो मेरिट है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करता रहना है और यहाँ पर कोई भी नई जानकारी उपलब्ध होगी। और आप जब भी वहाँ पे जाते हो इंटरव्यू में तो आप एक आवेदन फार्म है वो लेके जाना है, वो आगे हम दिखाएंगे वीडियो में। साथ के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए और आपको साथ में मूल प्रति भी उनकी होनी चाहिए। इंटरव्यू का और या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एड्रेस रहने वाला वो रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर, ये देख सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आप देखते रहिए। अन्य यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती से संबंधित सेवा नियम देर के हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये का आवेदन शुल्क भी आपको लगेगा, यानी जब आप इंटरव्यू में शामिल होते हैं या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तो उसी दिन इंटरव्यू, उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उसमें आपको 100 रुपये का यहाँ पर रसीद कटवानी पड़ेगी। उसके बाद देख सकते हैं
आगे इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो दिखा देते हैं एक बार आपको। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आप निकलवा लीजिए, या फिर आपको वहाँ पर 100 रुपये दोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। ये निकलवा के उसको पूर्ण रूप से फिलअप कीजिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दीजिए, और आपके वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में लेके जाने पड़ेंगे। इस प्रकार काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके अभ्यर्थी जरूर अप्लाई कीजिएगा, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।